सपोर्ट नहीं मिला किसी का भी, ये सच्चाई बात है। उस टाइम तो कोई भी नहीं था मेरी लाइफ में, मेरी बहन और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे उस टाइम। और मुझे इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आती क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देख रखी है, तो दो टाइम का बेशक प्रेशर बेशक। ना कोई बड़ा प्रेशर नहीं लगता। अभिषेक बच्चन जी क्या बताऊँ, वो एक ओनर की तरह कभी ट्रीट नहीं किया। सबसे ज्यादा खुशी रही है मुझे जब उनके साथ खेलने में दो चीजें, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं महसूस नहीं किया कि वो हमारे लिए ओनर है, और जी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, चाहे हम हार रहे हो या जीत रहे हो या कोई भी सिचुएशन आई, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं क्या बताऊँ आप, बहुत ही ज्यादा, मैं उस खुशी को बयां नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था इंडिया के लिए खेलना, उसके बाद वर्ल्ड कप जीतना, एशियन गेम्स। दीपक हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया जी, आप बताइए। बस जी, क्या चल रहा है अभी? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी, बिल्कुल, अभी भी प्रैक्टिस का टाइम हो गया बस। बस हम जल्द से जल्द आपसे कॉन्वर्जेशन करेंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए लेट नहीं होने देंगे। दीपक, आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और आपकी जो शुरुआती स्ट्रगल रही है वो काफी इंस्पिरेशनल है। क्या आप बताएंगे कि आपकी कबड्डी प्लेयर बनने से पहले की लाइफ कैसी थी? लाइफ जी काफी मुश्किल थी, जैसे आपने सर्च भी किया हुआ मेरे बारे में, और वैसे ही पता ही है काफी सबको, तो जी काफी स्ट्रगल भरी लाइफ रही मेरी। मेरे माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी, और मेरी सिस्टर जो मेरे से बड़ी है काफी, तो हाँ जी उनको भी घर पे आके रहना पड़ा था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो उस टाइम मेरे भांजा भांजी काफी छोटे थे जी, अच्छा जी भांजी तो नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट में था, तो उन ओके सबका मतलब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, और उस टाइम तो जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी लाइफ में, क्या बताऊँ आपको, मतलब नेक्स्ट डे के लिए भी सोचना पड़ता था कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे, इसी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। दीपक, उस वक्त आपको किस किस ने सपोर्ट किया था? जी सपोर्ट नहीं मिला किसी का भी, ये सच्चाई बात है, उस टाइम तो कोई भी नहीं था मेरी लाइफ में, मेरी बहन और मैं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे उस टाइम, इन प्रॉब्लम्स ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। आपकी जो स्ट्रगल रही है बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है आपकी लाइफ। चलिए, थोड़ा बिकॉज हमारे पास वक्त कम है तो थोड़ी हम बात कर लेते हैं कबड्डी के बारे में। युवा प्लेयर्स जो आपकी तरह पीकेएल में खेलना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? स्पेशली ऐसे प्लेयर्स जो छोटे गांव से आते हैं और उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। देखो कबड्डी जैसे गेम है, जो इनमें ज्यादातर तो छोटे गांव से ही बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये मतलब इतना इसमें कोई खर्च नहीं लगता एक्स्ट्रा, तो कबड्डी हमारा गेम है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, इसमें आप एक अच्छा बनियान लो और ग्राउंड पे चले जाते हैं, तो उन सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि अभी कबड्डी में आप जैसे देख रहे हैं फ्यूचर कितना अच्छा है, प्रो जी कबड्डी स्टार्ट होने के बाद आप प्रो कबड्डी में आपको कितने ज्यादा चांसेस मिलते हैं, और इतने ज्यादा चांसेस आपको हर तरीके से, जॉब जॉब जैसे कबड्डी में पहले भी थी, मैंने जब कबड्डी स्टार्ट की तो एक जॉब के लिए की थी, ताकि मैं जी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी देख रेख कर पाऊँ, हाँ जी लेकिन अभी तो प्रो कबड्डी आने के बाद इतना ज्यादा फ्यूचर सिक्योर हो गया कि मतलब आपको फेम बिल्कुल भी मिल रहा है, रेस्पेक्ट हाँ भी मिल जी रही है, और आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो भी ठीक हो रही है। जी दीपक, आपकी टीम पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग में, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी बॉन्डिंग है आपकी टीम के साथ? और अभिषेक बच्चन जी जो टीम के ओनर हैं, वो काफी इन्वॉल्व रहते हैं और आप लोगों से काफी बातचीत करते हैं, तो क्या बातें होती हैं आप लोगों के बीच में? अभिषेक बच्चन जी क्या बताऊं जी, वो एक ओनर की तरह कभी ट्रीट नहीं किया उन्होंने, सबसे ज्यादा खुशी रही है मुझे जयपुर के साथ खेलने में दो सीजन में, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि वो हमारे लिए ओनर है, और उन जी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वो चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, चाहे हम हार रहे हो या जीत रहे हो या कोई भी सिचुएशन आई हो, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमें, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा, और आप तो उनके टीम साथ क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। हाँ जी वो खुद ही खेलते हैं, हमें हमारा मैचेस लगवाते हैं पूरा मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का, आपस में हमेशा जी इतना फ्रेंडली रहते हैं, शायद ही कोई ओनर इतना टाइम स्पेंड करता है अपने खिलाड़ियों के साथ,
और प्रो कबड्डी को स्टार्ट करने में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था पहले सीजन से ही, उनका काफी योगदान रहता है। और टीम में जी जब कोई भी खिलाड़ी लीग में किसी भी टीम के साथ खेलता है तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम 5 महीने उनके साथ रहते हैं, एक किस्म ओहो से हमारा परिवार हो जाता है। 3 महीने का लीग बिल्कुल होता है, बिल्कुल 1.5-2 महीने का हमारा प्रैक्टिस कैंप होता है, प्रैक्टिस तो जी इतना जी ज्यादा जी टाइम जब आप एक साथ स्पेंड करते हैं तो आपके लिए वो काफी ज्यादा टाइम होता है, और एक परिवार की तरह ही हम जुड़ जाते हैं। अब हम जैसे अभी घर पे आ जाते हैं तो काफी यादें ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा याद आती हैं, मिस भी बहुत ज्यादा करते हैं। दीपक आपकी एक खासियत है, आप डू और डाई रेड में इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? मतलब आपके दिमाग में क्या चलता क्या है, थोड़ा अच्छे से बताइए हमें। मुझे कुछ नहीं चलना, ऐसा कोई बात नहीं है। डू डाई रेड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, मैं जब मैच से पहले ही मैं हमेशा खुद ही बोलता हूँ कि डू और डाई मैं करूँगा, क्योंकि तकरीबन आपने किसी भी टीम को देखा जो उनका बेस्ट ट्रेडर होता है मोस्टली वही डू डाई रेड्स करता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी अगर मान लो मैं ही इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा तो फिर मेरी टीम के लिए अच्छी बात नहीं, तो इसलिए मैं जानबूझ के बोलता हूँ मैच से पहले कि डू डाई रेड मोस्टली मैं ही करूँगा, और मुझे इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आती क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देख रखी है, तो डू डाई का बेशक प्रेशर बेशक। इतना कोई बड़ा प्रेशर नहीं लगता मुझे। दीपक आप बड़ी कम उम्र में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप इंडिया की कप्तान भी हैं, और काफी सारे यादगार मोमेंट्स होंगे इंडिया के लिए खेलते हुए, और जब इंडियन टीम की जर्सी पहनते कैसा लगता है आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने में? इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए, मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो उससे बड़ी गर्व की बात होती नहीं है जी, क्योंकि बेशक बिल्कुल जब ये जो पहन रखी मैंने, जब ये इंडिया टीम की जर्सी मिलती जी वो जिस खिलाड़ी को पहली बार जिस दिन ये जर्सी मिलती है वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है, तो सबसे कभी ज्यादा खुशी की खुशी के बात आंसू आए थे जब जर्सी मिली हाथ में? है। खुशी के आंसू मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता कितनी बड़ी बात थी। मैं 2014 एशियन गेम से इंडिया टीम कैंप में हूँ, तब भी सोच रहा था कि एशियन गेम खेलूंगा, नहीं खेल पाया, लेकिन जब जी 2016 में पहली बार मैं साउथ एशियन गेम्स खेलने गया तो मैं उस खुशी को बयां नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था फिर इंडिया के लिए खेलना, उसके बाद वर्ल्ड कप जीतना, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, दुबई मास्टर कप, साउथ एशियन गेम्स, और अभी हाल ही में एज ए कैप्टन साउथ एशियन गेम्स, और फिर बिल्कुल अपने बिल्कुल देश को गोल्ड दिला के लिए, क्या नाम, इन चीजों की कोई बराबरी नहीं होती जी। जी आप कप्तान भी हैं टीम के, तो अगर कोई टीम में थोड़ी सी ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो जाती है तो सॉल्व करना पड़ती है आपको? देखो जी, एक तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम अभी होती नहीं क्योंकि जो सभी पत्ते अभी इंडिया टीम में थे हालांकि यंग थे, लेकिन वो सभी दो दो तीन तीन सीजन काफी अच्छा खेलते आए हैं तभी इंडिया टीम में पहुंचे, तो उनको एक्सपीरियंस काफी हो चुका है क्योंकि वो लीग खेलते आ रहे हैं, और उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और रही बात प्रेशर की, कोई ऐसी अनबन की, तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है हमारी टीम में। इंडिया टीम में सभी अपने देश के लिए खेलते हैं, सभी का एक ही बेशक मोटो होता बिल्कुल है कि अपनी कंट्री को प्राउड फील कराना, में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। मैं पहले भी जैसे अनु कुमार भाई साहब जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उनकी कैप्टनशिप में खेला हूँ, अजय ठाकुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैप्टन रहे, उनके साथ भी हाँ खेला जी मैं इंडिया टीम में, तो ऐसी कोई कभी बात आती नहीं कि आपको संभालना पड़ता है, सभी काफी समझदार होते हैं और इतना ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं कभी भी। फिर भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो एज ए कैप्टन हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले पुनेरी पलटन का कैप्टन रह चुका हूँ, जयपुर पिंक जी पैंथर जी दो जी साल हाँ से जी कैप्टन, तो और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ इंडिया टीम में भी रह चुका हूँ जी कैप्टनशिप में, तो इतना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया जी, समझ में आ जाता है। दीपक, पीकेएल के फर्स्ट सीजन में कुछ 12 लाख की बिड, और फिर अभी तो करोड़ों में बिड लगती है जी तो उस टाइम प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी जी फर्स्ट जी सीजन, ये हाँ उस जी टाइम लाखों वाली थी, उस टाइम भी मेरी सेकंड हाईएस्ट बिड थी जी, 12.60 हाँ जी लाख्स, सेकेंड और हाईएस्ट जो राकेश यस कुमार उनकी 12.80 थी। तो हाँ जी अब धीरे धीरे प्रो कबड्डी इतना हाईर लेवल पे पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया, गेम बहुत पॉपुलर हो गया, और गेम तो अच्छा है ही, आप सब देखते हैं ये मेरे बोलने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। कबड्डी बहुत ही तो कैसा इंटरेस्टिंग गेम महसूस होता आप। है
पहले 12.6 लाख और अभी तो करोड़ों में बोली लगते, कैसा महसूस होता है? कितना आपको लगता है कि इतना लंबा आ चुके हैं आप? देखो अभी तो कुछ भी नहीं, मैं मानता नहीं कि अभी मैंने बहुत कुछ पा लिया है, अभी तो बस एक खेल की शुरुआत हुई। क्योंकि मैं अगर सही तरीके से देखा, खिलाड़ी बहुत है जो कितने वर्षों से खेलते आ रहे हैं, हमारे इतने धर्मराज थलाथन को देख लीजिए, अभी अनुप कुमार बाजरा ने थोड़े दिन पहले छोड़ा है, राकेश कुमार जी ने इतने लंबा खेल खेली, तो 5-7 साल अच्छा खेलने के बाद ये नहीं कि हमारा खेल काफी लंबा हो गया, अभी तो काफी लंबा खेलना हमें, लेकिन अपनी कबड्डी की प्रोग्रेस देख के काफी खुशी होती है कि हमारा गेम जी यहाँ से यहाँ बिल्कुल, तक इतने लोग फॉलो करते हैं, हमारा गेम हर तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द चैंपियन बने। थैंक यू चलिए, जी। थैंक यू सो मच दीपक हमें ज्वाइन करने हाँ के जी, लिए। एक थैंक यू मिनट एक मिनट फैंस। बिल्कुल एक मिनट बिल्कुल, एक मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी देख रहे हैं मुझे या फॉलो करते हैं, आप सब भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम होना, प्लीज़ उसको मतलब ऐसे बर्डन बर्डन मत समझे या प्रॉब्लम की हाँ मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। मुझे पता है हम मिडिल क्लास फैमिली से या थोड़े लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। किसी घर की वैसी कंडीशन ठीक नहीं होती, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के माँ गुजर गई, किसी के पिताजी, या किसी के पास पैसे नहीं होते, या प्रैक्टिस की जगह नहीं बिल्कुल होती, या और फैसिलिटीज़ नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है, या टाइम नहीं मिलता, तो ये सब एक्सक्यूजेज होती हैं सिर्फ, ये हमारा ध्यान भटकाते हैं। प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम कैसे मतलब ताकतवर बनेंगे, उनसे लड़ लड़ के हमें हिम्मत आती है। और आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप सबके पास भगवान ने आप सबको खूबसूरत बनाया है, भगवान ने सबको ताकत दी है, ये सब आपके ऊपर, आप करते क्या है। तो प्लीज कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबके सब जितने भी मुझे देख रहे हैं या मुझे हमेशा फॉलो करते हैं, कबड्डी को फॉलो करते हैं, और आप सभी एक अच्छा प्लेयर भी बन सकते हैं जो भी स्पोर्ट्स में, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए। और अभी थोड़ा सा ख्याल, आपको ये कोरोना टाइम चल रहा है, थोड़ा अपनी हेल्थ का भी रखना है। जल्दी मिलते हैं आपसे, कोई कंपटीशन आएगा जब, उम्मीद करते हैं कोरोना हटेगा तो प्रो कबड्डी होती है, और आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, करते रहिए। थैंक थैंक यू यू, दीपक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दीपक, विश यू ऑल द लक फॉर योर वेलकम, फ्यूचर, थैंक्स अगेन, थैंक्स अगेन, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय।